वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। मुझे जो है ये सवाल बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने पूछा है कि सर हम फोटोग्राफी के अंदर जो है कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हमें जो है फोटोग्राफी के जो है क्लाइंट्स मिलेंगे। तो इस पर आप एक वीडियो बनाइए और कुछ अपने एक्सपीरियंस या अपने कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा और जो है मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों होता ही है कि आप फोटोग्राफी सीख जाते हैं, चाहे फिर आपने कोई कोर्स किया हो या वर्कशॉप्स ली हो या फिर जो है आपने खुद YouTube से या किसी भी अदर सोर्स से आपने फोटोग्राफी लर्न की हो। अब समस्या ये आती है कि भाई इसके अंदर हम अर्निंग कैसे करें, फोटोग्राफी के क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर फोटोग्राफर को इन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और एक ना एक टाइम उसके सामने सारे सवाल उठ खड़े होते हैं कि भाई मेरी अब अर्निंग कैसे होगी, मुझे क्लाइंट्स कौन ला के देगा या मैं क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करूंगा। लेकिन इस सबके पहले मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे फोटोग्राफर बनना है और एक प्रोफेशनली आपको इसमें अपनी अर्निंग करनी है तो फिर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी आज की जो पहली टिप रहेगी दोस्तों वो यही रहेगी कि बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब मैं कई बार अपने मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं फोटोग्राफी करियर से रिलेटेड, वहां भी मैंने इस बात को डिस्कस किया है, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। यानी कि आप जिस भी तरह के फोटोग्राफर हैं वो सारा काम जो है आपको अच्छे से एक अपनी, चाहे आपकी वेबसाइट हो या आपका कोई भी प्रेजेंटेशन आप लैपटॉप पे दिखाते हैं या आप अपने ऑफिस में अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे दिखाते हैं क्लाइंट को, जिस भी तरह का प्रेजेंटेशन आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं वहां पर जो है आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए। उसमें जो भी आपका बेस्ट वर्क है वो सारा बेस्ट वर्क आप अपने पोर्टफोलियो में डालिए। एक चीज और मैं जो है यहाँ जोड़ना चाहूंगा दोस्तों कि जो बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आपका काम तो आपने दिखा दिया पोर्टफोलियो में जो भी आपका बेस्ट वर्क है, लेकिन बिहाइंड द सीन पिक्चर्स ये बताते हैं आपके बारे में कि आप अपने काम को कैसे करते हैं, यानी कि आप किस तरह के स्टूडियो में शूट करते हैं या फिर आप आउटडोर कर रहे हैं तो किस तरह का आपका क्रू है, किस तरह से आप जो है पूरा प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करते हैं, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं। चाहे आप दो या तीन लोग काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लाइंट को एक आइडिया आता है कि आप शूटिंग किस तरह से करते हैं। इससे क्या होता है कि उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है आपके ऊपर, वो ये समझने लगता है कि हाँ भाई आपको एक फोटोग्राफी आती है, आप एक सीरियस फोटोग्राफर हैं, तभी आप ये सारा तामझाम जो है उसे दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह से आप शूट करते हैं और ये आपके जो है फाइनल रिजल्ट है। तो मेकिंग और बिल्डिंग पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपको एक प्रोफेशनल असाइनमेंट मिलने के। अब पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करें ये भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी का काम करता हूँ, तो मैं जो है अपना जो भी अपने असाइनमेंट करता हूँ मैं क्लाइंट से परमिशन ले लेता हूँ कि भाई मैं ये पिक्चर्स वेबसाइट पे डाल सकता हूँ या नहीं। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो पिक्चर्स जो है मैं अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ जिससे कि और भी लोगों को मेरे बारे में पता चले कि भाई मैंने इस तरह के शूट्स किए हैं। इसी तरह के जब मैं मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करता हूँ तो वो सारे पोर्टफोलियो की पिक्चर्स जो है मैं अपनी वेबसाइट पे या जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है मेरे लैपटॉप के ऊपर जब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ वहां पे वो सब पिक्चर्स दिखाता हूँ। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है हर कैटेगरी में बिल्ड किया है, फिर वो चाहे मेल मॉडल्स हों, फीमेल मॉडल्स हों, किड्स मॉडल हों, ज्वेलरी शूट हो या फिर जो है आपका कोई एड कैंपेन शूट हो, तो वो जो भी बेस्ट पिक्चर्स हैं, जो बेस्ट पिक्चर्स मेरे पास में मैंने सारे वो अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं ताकि मैं जब क्लाइंट को मिलूं तो मैं उसे अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकूं। तो मैं आप लोगों से भी यही जो है राय देना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना जो भी आपने काम किया है वो सारा काम आप एक जगह पे लाइए, बेस्ट काम जो भी आपका है वो काम जो है आप अपने क्लाइंट्स को दिखाइए, जिससे कि क्लाइंट का जो है ट्रस्ट आपके ऊपर धीरे धीरे बिल्ड हो और क्लाइंट ये समझने लगे कि हाँ भाई आप एक सीरियस फोटोग्राफर हैं, आप एक प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफी करते हैं। बिहाइंड द सीन पिक्चर्स देखेंगे तो उन्हें आइडिया आ जाएगा कि बिल्कुल आप एक जिस तरह से आप पूरा शूट करते हैं वो एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ शूट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके करियर को ऊपर ले जाने में काफी हेल्प करती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अपना अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। अब बनाना कैसे है दोस्तों, अगर आपके पास में पोर्टफोलियो नहीं है तो आप, अगर आप एक फैशन फोटोग्राफर है तो आप जो है मॉडल्स को या जो लोग मॉडल्स नहीं भी हैं या जो लोग मॉडल्स जैसे दिखते हैं आप उनको अप्रोच कीजिए, उनके कुछ पिक्चर शूट कीजिए,
उसे अपने पोर्टफोलियो में डालिए, बकायदा उनसे परमिशन लेके, और इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। उसमें आप हर तरह के शॉट्स खींचिए, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से, हेड शॉट से, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हो, आउटडोर पिक्चर्स हो, इंडोर पिक्चर्स हो, ये सारी चीजें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे, और जितना अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे उतने अच्छे आपके चांसेस होते हैं आपको आगे काम मिलने के। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो फिर जो आपने बेस्ट वेडिंग की है, या अगर आप अभी आपके पास कोई प्रोफेशनली आपने कोई वेडिंग शूट नहीं की है, आप अगर किसी वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप किसी वेडिंग फोटोग्राफर को असिस्ट कीजिए, वहां जाकर जो है आप कुछ पिक्चर्स खींचिए। और शुरू के अंदर अगर आप कुछ फ्री में भी करना चाहेंगे, बिकॉज अभी भी आप न्यू कमर हैं, तो वहां पर आप परमिशन लेके जाइए, वेडिंग के पिक्चर्स क्लिक कीजिए, जो भी बेस्ट पिक्चर्स हो वो अपने पोर्टफोलियो में जो है उन्हें इंक्लूड कीजिए, और धीरे धीरे जो है अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए। सो दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो जो है वो एक तरह का आपका सेलिंग पॉइंट होता है, एक तरह की आपकी शॉप होती है। तो जितनी अच्छी शॉप होगी, जितने अच्छे से आपने वहां पे अपने शॉप को सजाया होगा, उतना ही जो है आपको आगे काम मिलने के चांसेस होंगे दोस्तों। सो पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे कि मेरी वेबसाइट है यहाँ पे, और मैंने सारा काम डाला है। तो इस तरह की आप भी जो है एक पूरी अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और अपना काम जो है, जो भी जिस तरह का भी आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन है, या आपने कुछ इस तरह के प्रोग्राम आजकल एप्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं, वहां पिक्चर्स अपने डाल सकते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो ये एक तरीका हुआ अपने काम को आगे बढ़ाने का। दूसरा जो मेरा टिप रहेगा दोस्तों आज का, वो ये रहेगा कि मेक योर प्रेजेंस ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दोस्तों आज के टाइम में जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है बहुत ही बहुत स्ट्रांग एक तरह का जरिया है आपको अपने काम को मार्केट करने का। तो ये जो टूल है सोशल मीडिया और इंटरनेट, इसको आप अच्छे से यूज कीजिए। देखिए आजकल हर आदमी का एक इंस्टाग्राम पेज होता है, आप भी बनाइए, फेसबुक पेज होता है, आप भी उसे बना सकते हैं। वहां पर आप अपना काम को जो है रेगुलर बेसिस पे अपडेट कीजिए, ताकि लोग आपको देख पाए। आप रोज के या रोज या दो या तीन दिन के अंदर कुछ ना कुछ उस पर डालते रहिए, जिससे लोग आपके टच में रहेंगे, लोग आपका काम देख पाएंगे कि आपने किस तरह का काम किया है, किस तरह से आप काम करते हैं। इससे आपके बारे में जो है लोगों को पता चलता है कि भाई आप एक फोटोग्राफर हैं और आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके अलावा जो है आप एक वेबसाइट अपनी अच्छी से डेवलप कीजिए। आजकल वेबसाइट बहुत कोई महंगी चीज नहीं है, बहुत सस्ते में बन जाती है। तो आप अपनी एक वेबसाइट जरूर बनाइए दोस्तों की, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो 24 आवर्स ओपन रहती है। आप किसी को भी अपना वेब एड्रेस देंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, तो वहां जाके आपका क्लाइंट या जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो सब देख सकता है कि आपका किस तरह का काम है। लेकिन आप वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कीजिए और उसमें अपना बेस्ट वर्क डालिए। उसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए, आपका उसमें ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए वहां पे, और कैटेगरी वाइज बनाइए आपकी। उसमें जैसे कि आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो उसमें वेडिंग के कुछ शॉट्स डाल दीजिए, कुछ कैंडिड शॉट्स आपने डाल दिए वहां पे, कुछ आपके प्री वेडिंग के शूट्स वहां पे होने चाहिए बेस्ट, कुछ आपके बिहाइंड द सीन्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ये सारी चीजें आप डालिए। और ये सारी चीजें जो है आप रेगुलर अपडेट करते रहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो है हमेशा नई और फ्रेश लगे। तो क्लाइंट को क्या होता है कि उसे खाली भरोसा चाहिए होता है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो जितना आप अपने क्लाइंट को ट्रस्ट में लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उन सबके लिए ये सब चीजें करना थोड़ा जरूरी होता है। एंड ऑब्वियसली जब आप एक बिगनर फोटोग्राफर है तो बहुत सारी चीजें आपके पास में नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाए, वैसे वैसे जो है आप अपनी वेबसाइट को भी जो है बड़ा करते जाइए। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल SEO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको नहीं पता ये कैसे होता है तो आप जो SEO के स्पेशलिस्ट हैं आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल पे काफी सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। वो उनका काम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक कराना, यानी कि कोई भी मान लीजिए कीवर्ड टाइप करा है, जब हम जैसे कि हमें कोई चीज लेनी होती है या हमें कोई रेस्टोरेंट ढूंढना होता है, कहीं हम नई जगह जाते हैं तो हम वहां पर टाइप करते हैं गूगल की कि भैया रेस्टोरेंट नियर मी या पेट्रोल पंप नियर मी, या इस तरह से कई बार लोग फोटोग्राफर्स ढूंढते हैं इंटरनेट पे, फोटोग्राफर्स नियर मी और फोटोग्राफर इन फलाना सिटी, ढिमका सिटी, जो भी जिस शहर में भी वो लोग फोटोग्राफर्स को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर आप, तो इस तरह से जो क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं तो SEO स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि भाई ये किस तरह से वो रैंक कराते हैं, या कौन कौन से कीवर्ड आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो ज्यादातर लोग कीवर्ड जो यूज करते हैं वो यूज होते हैं वेडिंग फोटोग्राफर इन माई सिटी, वेडिंग फोटोग्राफर नियर मी, टॉप वेडिंग फोटोग्राफर, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, ये सब सर्च करते हैं उस तरह के कीवर्ड्स डाल के इंटरनेट पे। तो इसको जो है जो SEO स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस तरह के कीवर्ड्स जो है आपसे पूछते हैं, आपके काम के बारे में पता करते हैं और आपकी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि
धीरे धीरे आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आने लगती है और पहले दूसरे तीसरे पेज पे आ जाती है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन का काम है, काफ़ी मेहनत होती है उसके अंदर दोस्तों। तो जब आप इसके बारे में पता करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पे आपकी प्रेजेंस होना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। किसी के पास टाइम नहीं है, सब जो है आजकल ऑनलाइन आते हैं और वहाँ पर जो है सर्च करते हैं फोटोग्राफर्स के लिए। तो ये थी मेरी आज की दूसरी टिप। तीसरी टिप जो है मेरी दोस्तों ये रहेगी कि आप पर्सनली जो है अपना कॉन्टैक्ट लोगों के साथ में बनाइए। ये बहुत ही ओल्ड तरीका है लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है दोस्तों मार्केटिंग का। जब हमने फोटोग्राफी शुरू की थी तब कोई इंटरनेट नहीं था और ना ही मोबाइल फोन्स होते थे और ना ही ये सब ईमेल वाला चक्कर था, तो हम जो है जाके ऑफिसेज में या लोगों से मिल के जो है अपना काम दिखाते थे। अपना पूरा एल्बम लेके हम जाते थे, इतना बड़ा 12x18 और कई बार 8x12 10x12 के साइज के एल्बम होते थे बड़े बड़े, उस पर हम फोटोज अपनी प्रिंट कराते थे और फिर जो है ऑफिसेज में जाते थे और लोगों से जो है काम मांगते थे, तब जाके जो है दोस्तों काम मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। आजकल सब चीज़ें जो है इंटरनेट पे आ गई हैं, वेबसाइट बन गया, लोगों ने इंस्टाग्राम खोल लिया है, तो लोग घर बैठे ही आपका सारा काम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें करनी चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाना भी आज भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। अब तरीके बदल गए हैं, लोग अब लैपटॉप के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जितना आप पर्सनली लोगों के साथ में टच में रहेंगे, जितना लोगों को आप पर्सनली मिलेंगे, उससे एक फीलिंग अलग आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट दिन में कम से कम एक या दो लोगों से आप जरूर मिलें और उन्हें बताएं कि आप एक फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी का काम ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की फील्ड में जो लोग होते हैं, कई इवेंट कंपनीज होती हैं जो वेडिंग फोटोग्राफर्स को हायर करती हैं, तो आप वहां जाइए उन इवेंट कंपनीज में, अपने आप को एज अ फोटोग्राफर इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना पोर्टफोलियो जो आपने बनाया उसे लेके जाइए, उसे दिखाइए कि भाई मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये मेरा वर्क है और मैं काम ढूंढ रहा हूं। तो बस इस तरह से जो है अगर आप रोज एक दो या तीन लोगों से भी मिलेंगे तो आप देखेंगे कि 3-4 महीने में आप बहुत सारे लोगों से मिल चुके होंगे और धीरे धीरे जो है काम आपके पास आना शुरू हो जाता है। और काम को भी आपको अच्छे से दिखाना है, अपना प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काम कोशिश कीजिए कि आप जितना क्वालिटी का काम करेंगे उतनी ही आपके चांसेस होते हैं आपको असाइनमेंट मिलने के। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और आप हर जगह पे जहां से भी आपको काम मिलने की उम्मीद हो, मसलन जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पर जो भी फैमिलीज हैं, जितने लोग रहते हैं, आप उन्हें जाके बताइए, अपना विजिटिंग कार्ड उनको दीजिए, अपनी वेबसाइट का एड्रेस उनको दीजिए, उन्हें बताइए कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप वेडिंग कवर करते हैं और आप जो है इस तरह के तरह से आप शूट करते हैं। तो आप जितने लोगों को मिलोगे धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे और काम आपके पास में आने लगेगा। सो पर्सनल मीटिंग्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इंटरनेट की एज में भी ये चीज़ें बहुत ही काम करती हैं। ओल्ड तरीका है बट बहुत इफेक्टिव तरीका है दोस्तों। हमने ये सब किया है इसलिए मैं आपको अपने साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम 50 लोगों को मिलते थे तब जाके 2 या 3 लोगों से काम आना शुरू होता था, फिर जिन 2-3 लोगों का हमने काम किया होता था उनके थ्रू फिर आगे काम आना शुरू हो गया और मेहनत करते गए धीरे धीरे और क्लाइंट्स जो है धीरे धीरे आने लगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो मेरी टिप रहेगी दोस्तों वो मेरी रहेगी कि कीप आप जो है बिल्कुल अपने काम पे प्रैक्टिस जो है आपको वो बहुत करनी है अपनी फोटोग्राफी में। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और अगर आप जब शूट नहीं कर रहे हैं तो आप अपना जो सारा टाइम है वो आप अपने प्रैक्टिस में डालिए, यानी कि आप कम से कम रोज 1 या 2 सब्जेक्ट को लेके आप कुछ ना कुछ शूट्स प्लान करते रहिए। और जो चीज़ में आप कच्चे हैं, यानी कि अगर आपका लाइटिंग परफेक्ट नहीं है या आउटडोर फोटोग्राफी में आप उतना परफेक्शन नहीं है या फिर इंडोर में आपको लाइटिंग के साथ में इशू आता है, तो वहां पर जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उन चीज़ों पे आप कोशिश कीजिए कि आपका उस पर अच्छा कमांड हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो और भी स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको लाइटिंग का आइडिया और भी अच्छे तरीके से आने लगेगा। अलग अलग टाइम पे शूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में किस तरह से जो है पिक्चर्स आती हैं। तो आपका पोर्टफोलियो, आपके पास पोर्टफोलियो में हर लाइटिंग कंडीशन की पिक्चर होनी चाहिए, शाम की, सुबह की, रात की, विद क्लाउड्स, विदाउट क्लाउड्स, इंडोर पिक्चर्स, स्टूडियो पिक्चर्स, आउटडोर पिक्चर्स, रैंडम लोकेशंस में, अगली लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशन, हर तरह का जो है काम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिससे एक क्लाइंट को आपकी रेंज का पता चले। तो जब क्लाइंट आपको ढूंढता है, आपको बुलाता है मीटिंग के लिए, तो वहां पर ये सारी पोर्टफोलियो जो है आपके काफी काम आता है। तो प्रैक्टिस जो है उसे आपको छोड़ना नहीं है। मैं भी अभी भी जो है अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ और कुछ ना कुछ नया सीखने की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी है और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन चीज़ों में मेरा थोड़ा सा परफेक्शन नहीं है उन पे मैं और भी अच्छे से काम करूँ। तो प्रैक्टिस जो है दोस्तों वो हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली 2-4 सब्जेक्ट्स को, यानी कि 2-3 मॉडल्स को बुलाते हैं और वो लोग भी आपके बारे में लोगों को बताते हैं कि भाई आप एक फोटोग्राफर हो और मैंने इनके साथ में जो है एक प्रैक्टिस सेशन या फोटो सेशन किया है, तो वो पिक्चर्स भी वो लोग 10 लोगों को दिखाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है आप ही की पब्लिसिटी होती है उसमें, आप ही का काम जो है स्प्रेड होता है।
तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। पांचवा जो मेरा टिप रहेगा वो दोस्तों यही रहेगा कि अब आप ये सब आप करने के बाद में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी मार्केटिंग की, कि मुझे अब काम को कैसे मार्केट करना है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मतलब यह है कि अब मान लीजिए आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो वहां पर आप ढूंढेंगे इस तरह का काम कौन कौन लोग कराते हैं और कितना काम अवेलेबल है आपके शहर में, और वहां पर उस तरह के लोग जो है उनको आपको मिलना है। आप एक आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया आज मुझे इन इन लोगों को मिलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आप इस बात की लिस्ट बनाइए कि शहर में कहाँ कहाँ वेडिंग्स होती हैं, वेडिंग्स के वेन्यू कहाँ कहाँ पर हैं, कौन लोग जो है वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वेडिंग प्लानर्स जो हैं कौन कौन हैं, कौन कौन इस तरह का काम करते हैं। आप वहाँ जाइए, उन लोगों को मिलिए, उन लोगों को बताइए कि भाई मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये मेरा काम है और मैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसके अलावा जहाँ जहाँ जिस जिस फैमिली में मैरिजेज हो रही हैं वहाँ पर आपको जो है निगाह रखनी पड़ेगी। कई कार्ड कंपनीज होती हैं जो वेडिंग के कार्ड्स बनाती है, उन लोगों के साथ आप टच में रहिए, उनके पास सारा काम आता है, उससे आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस किस घर में वेडिंग हो रही है, कौन सी डेट पे हो रही है। तो वहां से आप थोड़े कॉन्टेक्ट्स बनाइए, आप वहां से लिंक लीजिए, और वहां से लिंक लेने के बाद जो भी आपको लीड्स मिलती है आप जाके उन पे काम करिए। बेझिझक आपको मिलना जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी शर्म आती है काम मांगने में, कि यार काम मांगने क्या जाना, सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, कैसे मैं आ गया काम मांग रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें किसी बात की शर्म नहीं है, वो आपको और थोड़ा सा आपको उसमें शर्म भूलनी पड़ेगी। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको काम मिलेगा तभी तो आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, काम ही नहीं मिलेगा तो हम कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हों उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो काम मांगने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए, सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपको नो ही बोलेगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने नो बोलने के बाद भी आप हमेशा फ़ायदे में रहे कि आपने कम से कम एक प्रेजेंटेशन दे दी, आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, और वो एक्सपीरियंस जो है आपके अगले मीटिंग में आपको बहुत ही अच्छे से काम आएगा दोस्तों। सो काम मांगने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल बिंदास आगे बढ़िए, काम मांगिए लोगों से, और धीरे धीरे आपका नाम होने लगेगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से लोगों को मिलने की, कई फिर लोग जो है धीरे धीरे आपका नाम सुन के ही आपके पास आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। और अब काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर इसके अंदर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे की अर्निंग कैसे होती है, कितना पैसा चार्ज करना चाहिए, कितनी अर्निंग क्या हम क्लाइंट को चार्ज करें, इस तरह के भी बहुत सारे सवाल मुझे लोगों ने पूछे हैं दोस्तों। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, शुरू में अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं तो आप पैसे को बहुत ज़्यादा जो है आप वेटेज मत दीजिए, आप शुरू में काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और अपनी प्राइस आप ऐसे रखिए कि हर आदमी आपको अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं एकदम बहुत बड़ी प्राइस बोल देते हैं तो क्लाइंट कहता है भाई अभी तो इसका इतना काम भी नहीं है, पैसे इतने सारे मांग रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं फोटोग्राफी के अंदर, तो हमेशा अपनी प्राइस जो है वो ऐसी रखिए अफोर्डेबल हो, यानी कि क्लाइंट ज़्यादा ना सोचो उतना पैसा खर्च करने का। और अभी वैसे भी आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, आप नए हैं इस फील्ड के अंदर, बिगनर हैं, और अगर आपको कुछ साल भी हुए हैं काम करते हुए प्रोफेशनली, तो भी अपनी प्राइस आप ऐसे रखिए कि जो क्लाइंट आसानी से अफोर्ड कर सकता हो। तो वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का आप बैलेंस रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपको मिलेंगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब जहाँ पर आप जो है बड़ा प्राइस भी कमांड करने लगते हैं धीरे धीरे, पर उस स्टेज को आने तक जो है आप अपनी प्राइस को रीजनेबल रखिए ताकि कोई भी आदमी आपको अफोर्ड कर सके। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और क्लाइंट्स आप देखेंगे कि इस तरह मिलने लगते हैं। तो जो सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर अर्निंग कैसे होगी, कितना प्राइस रखना है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने इसमें आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि भाई आपका खर्चा कितना है शूट को पूरा ऑर्गेनाइज करने में, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद में, कितने दिन का काम है, कितने आवर्स का काम है, कितना सारा पिक्चर्स आपको एडिट करके देनी है, क्लाइंट क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसका एक आप एक्सपेंडिचर लगा लीजिए। वहां पर आप कोशिश करिए कि आप क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और उसके ऊपर अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी है तो वो प्राइस आप लगा सकते हैं। शुरू में पैसा कम भी कमाया तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे वहां पर आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा फोटोग्राफर जानने लगेंगे। जैसे कि जब मैंने फैशन फोटोग्राफी शुरू की थी तो मैं बहुत कम प्राइस के अंदर जो है पोर्टफोलियो शूट कर देता था, आज भी मैं जो है कम ही प्राइस रखता हूँ, ज्यादा प्राइस नहीं है हमारा, ताकि हर आदमी अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा बना सके। तो सस्ते पोर्टफोलियोज भी हम शूट कर देते हैं, महंगे भी, और जहां पर काफी सारा खर्चा होता है वो पोर्टफोलियोज भी हम शूट करते हैं, तो हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई ये खर्चे हैं, इस तरह से काम होता है, इतना प्रोडक्शन में चला जाता है, इतना मेकअप हेयर स्टाइलिंग में चला जाता है, इतना पैसा एडिटिंग में चला जाता है, और उसके बाद जो भी हमारा जो भी मार्जिन है वो हमारी अर्निंग होती है। तो हम क्लाइंट के साथ काफ़ी ट्रांसपेरेंट होकर बात करते हैं,
ताकि क्लाइंट को भी हमारी प्रॉब्लम्स समझ में आती है कि हाँ भाई एक फोटोग्राफर को इतना सब कुछ करना पड़ता है एक फोटोशूट के लिए, तो क्लाइंट भी उस बात के लिए जो है हमको कई बार अप्रिशिएट भी करता है, और कई बार क्लाइंट जो है अप्रिशिएट नहीं करता, वो कहता है कि भाई वो आपका देखना है, हमारा बजट तो इतना है। तो अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट उतने बजट में अगर ये काम हो सकता है तो मैं तब भी क्लाइंट के लिए काम कर देता हूँ, क्योंकि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपका टैलेंट, अगर आप अच्छे टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं तो वही क्लाइंट जो है आपको 2-3 क्लाइंट 4 क्लाइंट 10 क्लाइंट कभी कभी आपको ला के देता है आपके आपके काम को देखने के बाद। तो शुरू के अंदर अपनी प्राइस को जो है वो आप बिल्कुल रीजनेबल रखिए दोस्तों, ताकि हर आदमी आपको अफोर्ड कर सके। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों, और इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है बिगनर फोटोग्राफर्स को मार्केट में एंटर करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ आपसे भी कम पैसा लेके काम कर देते हैं। तो ये सब हमेशा चलता रहेगा दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है। नए लोग आते हैं और पुराने लोग जो है उनको कंपटीशन देते हैं नए लोग, तो ये सब चीजें हमेशा चलती हैं। तो आपको इनसे घबराना नहीं है, आप अगर नए फोटोग्राफर हैं तो आप बिल्कुल मार्केट में एंटर कीजिए, अपने काम के ऊपर भरोसा रखिए, अपने पोर्टफोलियो पे भरोसा रखिए, अपने मार्केटिंग के तरीके को हमेशा बदलते रहिए, समय के अनुसार चेंज करते रहिए। अगर आपका एक मार्केटिंग प्लान नहीं चल रहा है तो आपके पास में दूसरा बी प्लान भी होना जरूरी है, ताकि आप उस प्लान को फिर इंप्लीमेंट कर सके। अगर वो भी नहीं चल रहा तो प्लान सी पे काम कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। एक फोटोग्राफर एक एंटरप्रेन्योर की तरह होता है, उसे सोचना पड़ता है कि भाई मेरी भी उसके भी बिल्स होते हैं पे करने के लिए, उसकी भी एक फैमिली होती है, उसकी भी एक पूरी लाइफ होती है, उसको भी जो है सारे खर्चे होते हैं दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह। तो आपको हमेशा जो है हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान को लेके, और जो चीज़ वर्क कर रही है उस पर आप काम कीजिए, जो चीज़ वर्क नहीं कर रही है उसे छोड़िए। इस तरह क्या होगा, आपको 1-2 साल में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो आपको भी एक आइडिया आने लगेगा कि आपको आगे कैसे काम करना है। और दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी एक सीक्रेट नहीं होता है। जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर कुछ सीक्रेट बताइए इसके बारे में कि काम कैसे मिलेगा और हम कैसे अपना नाम बना सकते हैं, कैसे हम इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। देखिए बहुत सारा पैसा कम पैसा ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी डिबेट हम कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए कम पैसा भी बहुत होता है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा भी उसे कम लगता है। तो यहाँ पर आपको एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास वर्क जो है वो रेगुलर आता रहना चाहिए। अगर काम आपके पास में रेगुलर आ रहा है तो कम पैसा भी आप कमा रहे हैं तो वो भी एंड में जाके काफ़ी बड़ा पैसा हो जाता है दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट सिर्फ एक यही है कि बस आपको हमेशा एक्टिव रहना है। फोटोग्राफी सीखने के साथ साथ आपको जो है मार्केटिंग करना भी आना चाहिए, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फोटोग्राफी को सीखना। तो यही एक सीक्रेट है दोस्तों कि हम जितना टाइम फोटोग्राफी सीखने में लगाते हैं उतना ही टाइम हमको जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में भी हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है हम एक कंप्लीट प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनेंगे। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें आज मैं भी ऑफिस में ऐसे ही बैठा था, मैंने सोचा एक कैमरा ऑन करके आपके साथ बात करता हूँ, थोड़ा सा इस बारे में शेयर कर लेता हूँ। आज शूट का प्लान था बट आज नहीं कर पाया शूट, किसी और प्रोडक्शन का आज हमारे यहाँ काम चल रहा था स्टूडियो में। तो बस यही एक ख्याल आया, मैंने कहा एक वीडियो बना लेता हूँ आपके साथ में। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको थोड़ी सी इससे हेल्प मिली होगी, और फिर कल दोबारा शूट करेंगे एक नए शूट के साथ। मिलते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।